डोईवाला में गांधी जयंती के अवसर पर नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें डायनेमिक कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं व स्थानीय लोगों ने मिलकर नहर किनारे स्वच्छता अभियान चलाया। इसी दौरान सभासद ईश्वर रौथान ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार से हमको अपने आसपास की भी सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लक्ष्य है कि हमारे देश का कोना कोना साफ सुथरा रहे। डोईवाला से जावेद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। जैसे कि अभी हमारी युवा जो टीम है, ये सफाई को लेकर बहुत जागरूक है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि जगह जगह स्वच्छता का अभियान चलाया जाए। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, इसी तरह हमें अड़ोस पड़ोस पूरे देश को स्वच्छ बनाना है। तो और गांधी, ये तो हमें लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आज गांधी जयंती भी है, उसी उपलब्धता को देखते हुए हम सभी इसको सफाई का जो अभियान हम चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से जैसे हमारी युवा टीम जोश के साथ सड़कों पे निकले सफाई के लिए, इसी तरह सब घर में सब बड़े बुजुर्गों को औरों को भी सबको ध्यान देना पड़ेगा। हमें जागरूक करना पड़ेगा कि सभी अपने घरों को साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस अपने क्षेत्र को और अपने क्षेत्र के आसपास पूरे देश को साफ करें। इसके लिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, युवा हमारी शक्ति हैं, और युवाओं में स्वच्छता को लेकर के इस प्रकार के संस्कार जब दिए जाते हैं तो इससे पूरा देश स्वच्छता की ओर बढ़ता है। मानसिक शारीरिक और प्राकृतिक स्वच्छता हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए और देश के लिए आगे बढ़ने के एक अच्छा वातावरण पैदा करता है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, जैसे आज डायनेमिक्स कोचिंग संस्थान के छात्रों ने युवा शक्ति का परिचय दिया है और 2 अक्टूबर के इस उपलक्ष्य पर भान्यावाला में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया है, तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग भी जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, हम काम करते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कम से कम साल में एक दिन आज के दिन अपने कार्यालय में, अपने घर में और अपने आस पड़ोस में स्वच्छता अभियान चलाएं।